इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 503 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले कि हम पेपर 503 के बारे में बात करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सभी वीडियोस है वो सभी वीडियोस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू बनने वाले हैं और मैं बात करने वाला हूँ फिज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में। मैं स्पेशली जो अभी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ वो सभी वीडियोस बीएससी के एजुकेशन के ऊपर चलने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सेमेस्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के फिज़िक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी ये वीडियो जो है वो फर्स्ट वीडियो है जो कि सेमेस्टर नंबर 5 के पेपर नंबर 503 के बारे में है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात साबित होने वाली है जो सभी स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं और वो भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियोस है वो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलते हैं, आज बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 5 के पेपर नंबर 503 के बारे में। आपके सामने है तीनों पेपर्स के टाइटल्स और उन सभी टाइटल्स के साथ साथ उन टाइटल्स में आपको क्या स्टडी करना है उनकी ऊपर की नॉर्मल डिटेल। तो सिलेबस ऑफ बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर नंबर 5, कोर्स के कंटेंट में पेपर नंबर 501, 502 और 503 है जो कि तीनों पेपर थियरीज पर डिपेंडेंट है। और ये जो पेपर 501 है उसका टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जो पेपर 502 है उसका टाइटल है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड रिलेटिविटी। और पेपर 503 है उसका टाइटल है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप देख सकते हैं तो इन सभी नेम में एक क्लू छुपा हुआ है और वो क्लू क्या है, ये सभी टाइटल्स फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांचेस के टाइटल है। मतलब कि जो फिज़िक्स में अलग अलग ब्रांचेस है जिसके बारे में हम बात करते हैं, रिलेटिविटी है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, या तो फिर थर्मोडायनामिक्स है, मैथमेटिकल फिज़िक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ये जो सभी अलग अलग ब्रांचेस है फिज़िक्स की, उन सभी ब्रांचेस के ऊपर एक एक पेपर्स बना हुआ है। तो ये जो पेपर 501 है उसमें हम कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे, तो वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो तीनों टाइटल्स हैं वो तीनों टाइटल्स हमारे लिए नए हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमने 1 से 4 सेमेस्टर के अंदर कभी भी मैथमेटिकल फिजिक्स या तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात नहीं की है, लेकिन हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात की है। कैसे? जैसे हमने न्यूटोनियन स्टडी किया है, तो वो जो न्यूटोनियन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पोर्शन है, तो उससे हम थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब बात आती है फिज़िक्स के पेपर नंबर 502 के बारे में, जो भी थियोरिटिकल पेपर है और उसका टाइटल है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड रिलेटिविटी। जनरली हमने दो नाम सुने होते हैं, जब आइंस्टाइन का नाम आता है तो उसके साथ दो टर्म्स आती है, एक है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वहाँ पे एक वर्ड हमें आइसोलेट करना पड़ता है, वो है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का एक चैप्टर हम इस पेपर में स्टडी करने वाले हैं। बाकी के चार जो यूनिट है वो चार यूनिट इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और ये तीनों पेपर 501, 502 और 503 सभी के सभी थियोरिटिकल पेपर से। और लास्ट में आता है हमारा इम्पोर्टेंट पेपर कि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स है, एक है सॉलिड, सेकंड वन है स्टेट और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 12th में इसके बारे में स्टडी किया है, फिर बीएससी के सेमेस्टर नंबर 3 और सेमेस्टर नंबर 4 के बारे में इसमें डिटेल्स में बात की है, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 4 में तो हमने इसके बारे में 4 अलग अलग चैप्टर्स स्टडी किए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड मतलब कि एक घन। तो जैसे फिज़िक्स के तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हो गए, वो जो डिवाइसेस हो गए, वो जो फैक्टर्स हो गए, वो सभी फैक्टर्स कैसे होंगे? वो सभी फैक्टर्स सॉलिड स्टेट में होंगे, इसीलिए इसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिलेटेड है उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हो गए आपके तीन पेपर्स 501, 502 और 503। ये सभी सिर्फ लेबल्स हैं, लेकिन इसके अलग अलग टॉपिक्स के अनुसार इसके अलग अलग टाइटल्स हैं। तो ये थे आपके थियोरी के तीन पेपर्स। इसके साथ आपको अलग से स्टडी करना होता है वो है प्रैक्टिकल पोर्शंस। तो उस प्रैक्टिकल पोर्शंस में क्या होंगे, तो प्रैक्टिकल पोर्शंस में भी आपको तीन डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे, वो है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी।
इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डालूँगा और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रैक्टिकल्स है उस प्रैक्टिकल्स के टाइटल्स के बारे में बात करेंगे और जो आपके सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है उस प्रैक्टिकल के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उस वक्त हम उन सभी प्रैक्टिकल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं डिटेल में पेपर 503 के बारे में, जो कि हमारा थियोरेटिकल पेपर है। तो ये जो आपके सामने अभी आ रहा है वो है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर नंबर 5 पेपर 503 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 5 यूनिट होने वाले हैं। अभी जो आपके सामने टाइटल्स है वो है यूनिट नंबर 1 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिखा है 12 आवर्स 14 मार्क्स, मतलब कि ये जो एक एक यूनिट है उसका मार्क के मुताबिक वेटेज कितना है, 14 मार्क्स। और ये जो सभी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को आपको स्टडी कराने के लिए जो नॉर्मली टाइम चाहिए होता है वो कितना होता है, 12 आवर्स का। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाने बैठते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि 12 आवर्स में इतने टॉपिक्स कवर अप हो सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इसके दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स के बारे में और उसके सब टॉपिक्स के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में दो अलग अलग पार्ट्स है। एक पार्ट है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और दूसरा पार्ट है ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है जिसके कुछ टाइटल्स इस तरह से बनते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, रोल ऑफ कैपेसिटर्स इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। लेकिन इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूँ उससे पहले आपको एक बात क्लेरिफाई कर देता हूँ। इसमें एक बात आई है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। हमने एम्पलीफायर वर्ड को पहले से स्टडी करके रखा है। जब आप बीएससी के सेमेस्टर नंबर 3 में थे तब आपने एक चैप्टर स्टडी किया था जिसका टाइटल था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर्स, जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर पहली बार स्टडी किया था, ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया था और ट्रांजिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट बायसिंग्स के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे आप 4 बायसिंग्स स्टडी करके आए थे। तो उन सभी बायसिंग्स में से आपने एक बायसिंग का डिटेल में इस्तेमाल किया था जिसका नाम था पोटेंशियल डिवाइडर बायस। उस पोटेंशियल डिवाइडर बायस में जब आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं उसमें होते हैं 4 रेजिस्टर्स और 2 इम्पोर्टेंट कैपेसिटर्स, जिसमें एक कैपेसिटर था सी इन इनपुट कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर था सी ई एमिटर कैपेसिटर, जिसे कि हम बाईपास कैपेसिटर भी बोलते थे। तो इन सभी हेल्पिंग कंपोनेंट्स, मतलब कि रेजिस्टर और कैपेसिटर के दोनों हेल्पिंग कंपोनेंट्स का यूज़ करके हमने एम्पलीफायर सर्किट बनाई थी। तो ये जो एम्पलीफायर सर्किट है वो काम क्या करती है, एम्पलीफायर सर्किट काम करती है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का। तो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कैसे करते हैं, जब हम इनपुट में कोई एक सिग्नल डालते हैं तो उस सिग्नल का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज राइज अप होता है, कहाँ पे, जब वो आउटपुट में मिलता है तब। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन हुआ ऐसा बोलते हैं। तो ये जो एम्पलीफिकेशन करने की काबिलियत है वो किस में है, ट्रांजिस्टर में है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टेज के बारे में। तो ये मल्टी स्टेज क्या होता है, अभी थोड़ी देर मल्टी को बाद में साइड में रखते हैं, अभी हम बात करते हैं स्टेज के बारे में। तो ये जो स्टेज वर्ड क्या है, जब हम एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं उसके साथ 4 रेजिस्टर्स जोड़ते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट हमारे 2 कैपेसिटर्स है उसे हम जोड़ते हैं, तो वो जो एक बल्क कॉम्बिनेशन बनता है पोटेंशियल डिवाइडर बायस के साथ उसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेज। मतलब कि हर एक स्टेज में एक ट्रांजिस्टर होता है और अगर इसे 2 स्टेज को हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं 2 स्टेज एम्पलीफायर्स। लेकिन जब हम 2 स्टेज को एक साथ बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें एक हेल्पिंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि दोनों स्टेज को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड कंपोनेंट्स। मतलब कि ये दोनों स्टेज को एक दूसरे से आइसोलेट करता है, क्योंकि जो डीसी पावर सप्लाई है वो डीसी पावर सप्लाई पहले स्टेज और दूसरे स्टेज में फ्लक्चुएट ना हो। तो ये जो बात है उसे हम बोलते हैं ड्यूअल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। लेकिन अगर हम एक नहीं, 2 नहीं और उससे ज़्यादा स्टेजेस एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। तो वही एग्जैक्टली हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस पॉइंट में। तो इसीलिए इसका टाइटल बना है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, जिसके सब टॉपिक्स हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें कि हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और उसकी बेसिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें हम देखते हैं रोल ऑफ कैपेसिटर्स इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स।
जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट दो कैपेसिटर्स होते हैं और एक तीसरा कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस होता है जब हम दो स्टेज को बैक टू बैक एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर बात आती है आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, मतलब कि दो ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग स्टेज को जब आप कपल्ड करते हैं तो उस कपलिंग के लिए आप दो कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं रेजिस्टर और दूसरा बोलता है कैपेसिटर। इसलिए इन दोनों के इनिशिएटर्स को यूज़ करके हम क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड। फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर की, तो इसमें क्या होगा, जैसे आगे आपने बोला था आरसी कपल्ड, तो इसमें आएगा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, मतलब कि दो स्टेज को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मर का। फिर आता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, तो इसमें आपने जैसे वर्ड स्टडी किया डायरेक्ट, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ना ही आप इसमें रेजिस्टर यूज़ करेंगे, ना ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे और ना ही ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे, इसे डायरेक्टली हम कनेक्ट करेंगे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। फिर आती है इसकी कंपैरिजन, क्योंकि हमने ये जो तीनों एम्पलीफायर्स की बात की है तो इन तीनों एम्पलीफायर्स की कंपैरिजन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स है और कैसे उसके कपलिंग्स होते हैं, तो ये सभी पार्ट्स हम स्टडी करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के पोर्शन में। फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, मतलब कि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर की, लेकिन इसके आगे के जो ये तीन वर्ड्स है उस वर्ड में अलग अलग दो लेटर्स आए, उसका नाम है ऑडियो पावर। मतलब कि मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो एम्पलीफिकेशन होता है वो एम्पलीफिकेशन वोल्टेज के अकॉर्डेंस में होता है, करंट के अकॉर्डेंस में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर। हमने सेमेस्टर नंबर 4 में FET के बारे में स्टडी किया था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो जो FET है वो है वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और वोल्टेज के साथ साथ वो पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी हमारा BJT है, मतलब कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो सिर्फ करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए हम BJT में दो फैक्टर्स की बात करते हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अल्फा को बोलते हैं हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बीटा को भी हम बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये दोनों टर्म्स आती है BJT के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं FET के बारे में तो उसमें आता है वोल्टेज और पावर एम्पलीफिकेशन, तो यहाँ पे भी हम पावर का एम्पलीफिकेशन करने वाले हैं और पावर भी एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, पावर का इक्वेशन से P=I×V और I²×R। तो यहाँ पे हम ऑडियो सिग्नल्स बोले तो किसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 Hz से लेकर 20 kHz तक आती है उसे हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हियरेबल रेंज में आता है, हमारे जो अर्थ है वो उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अच्छी तरह से सुन पाते हैं और उसके ज़्यादा और उनसे कम इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम कभी भी सुन नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए जो भी एम्पलीफायर्स बनते हैं, हमारे लिए जो एम्पलीफायर्स है, वो सभी एम्पलीफायर्स का वर्क इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी में हो, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस पोर्शन में हम क्या बात करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर की ऑडियो पावर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसके सब टॉपिक्स क्या है, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर्स, परफॉर्मेंस क्वांटिटीज ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर एफिशिएंसी। तो ये जो कलेक्टर एफिशिएंसी है वो क्या है, तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है। और अभी हमने इसके बारे में क्यों बात की, क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर में आउटपुट लेते हैं तो वो आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के ग्राउंड के अक्रॉस में लिया जाता है, इसीलिए हमें कलेक्टर एफिशिएंसी नाम की टर्म की यहाँ पे डिस्कशंस करनी पड़ती है। फिर बात आती है एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर, और अभी जो आगे की बात है वहाँ है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें हम आगे डीप में डिस्कशंस करने वाले हैं, लेकिन ये जो पेपर है 503, ये 503 पेपर के बारे में आपको एक बात सबसे खास ध्यान में रखनी है कि जब आप सेमेस्टर नंबर 6 में आएंगे तो सेमेस्टर नंबर 6 के जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, उस प्रैक्टिकल के सिलेबस में इस सब्जेक्ट में से, मतलब कि 503 में से कई टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकल में दिए गए हैं, मतलब कि आपका जो सेमेस्टर नंबर 6 का ग्रुप सी है वो ग्रुप सी के कई प्रैक्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ इसी बुक्स के टॉपिक्स में से लिए गए हैं। तो जब भी आप इसकी थियोरी को स्टडी करते हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप इन सभी टॉपिक्स को साइडलाइन मत कीजिए, क्योंकि ये इस सेमेस्टर में तो काम आने ही वाले हैं, लेकिन अपकमिंग सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल का एक पोर्शन है वो पोर्शन
पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर टू के बारे में। तो यूनिट नंबर टू में सिर्फ और सिर्फ टू पोर्शन है, और सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं कि 14 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट पे, और 12 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इसके लिए अकॉर्डेंस में दिया गया है कि 12 आवर्स में ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पोर्शन क्या है, सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट्स, और सेकेंड पोर्शन क्या है, वेव शेपिंग सर्किट्स। तो ये जो सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट है उसका काम क्या है, तो इनमें से हम पहले बात करते हैं स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। तो आपने नॉर्मली स्विचेस के बारे में देखा होगा, मतलब कि आप डे टू डे लाइफ में स्विचेस का यूज़ करते हैं, जब हम फैन ऑन करते हैं तब हम स्विच का यूज़ करते हैं, जब आप कोई इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं तो आप स्विच का यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के जो कीपैड से उसमें भी आप स्विच की बात करते हैं। तो ये स्विच क्या है, स्विच इज द डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा करंट का फ्लो है उसे कंट्रोल करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं। तो स्विचेस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब कि मैकेनिकल स्विच हो गया, नॉन मैकेनिकल स्विच हो गया। तो ये जो मैकेनिकल स्विच है वो क्या है, मैकेनिकल स्विच में आपको मैकेनिकल प्रेशर लगाना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, जिससे कि इस स्विच की स्टेट एक्सचेंज होती है। तो स्विच में कौन सी स्टेट होती है, दो स्टेट होती है, एक है ऑन दूसरी है ऑफ, जिसे कि हम ओपन और क्लोज भी बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल स्विचेस आर दोज स्विचेस विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रेशर और मैकेनिकल एक्शन। लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट स्विचेस के बारे में, मतलब कि वो स्विचेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्विचेस है, जहाँ पे आप करंट को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग करंट, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, डायोड का इस्तेमाल करेंगे, वो सभी कंपोनेंट्स एज अ स्विचिंग एक्शन बिहेव करेंगे। कैसे, तो आप डायोड के बारे में नॉर्मली जानते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो वो कंडक्टिव होता है, लेकिन रिवर्स बायस में वही डायोड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। तो अगर इसमें से कोई सिग्नल फॉरवर्ड बायस में पास आउट होता है तो वो सिग्नल इसमें से पास हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें रिवर्स बायस में कोई सिग्नल पास करने की ट्राई करेंगे तो वो सिग्नल इसमें से पास नहीं होगा, मतलब कि इसने एक स्विचिंग एक्शन की तरफ बिहेव किया। सिमिलरली बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो आपने सेमेस्टर नंबर 4 में डिफरेंट गेट्स स्टडी किए हैं, उसमें आपने नोट गेट स्टडी किया था, जैसे कि हम इन्वर्टर बोलते थे। तो नोट गेट में आप बेस टर्मिनल में सिग्नल्स को इनपुट करते थे और कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस में आप उसका आउटपुट लेते थे। तो ये जो इन्वर्टिंग एक आपका गेट था उसमें क्या होता था, जब आप बेस में सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में आपको सिग्नल नहीं मिलता है, लेकिन जब आप बेस में सिग्नल नहीं देते हैं तो आपको आउटपुट में सिग्नल मिलता है, मतलब कि जब आप बेस में सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा, एज अ एक्टिव बिहेव करेगा, जिसके कारण आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बात हो गई स्विचिंग के बारे में, मतलब कि आप बेस को हैंडल करके पूरे ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच एक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर और डायोड्स का यूज़ करके अलग अलग स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। और ये जो स्विचिंग सर्किट है वो कैसी रहेगी, सॉलिड स्टेट होगी, मतलब कि यहाँ पे ना ही कोई लिक्विड है ना ही कोई गैस है, जो सभी जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट कैसे है, सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए इसका टाइटल क्या बनता है, सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट्स। तो इसके जो सब टॉपिक्स है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्विच, मैकेनिकल स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स, स्विचिंग एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स। इसमें अभी आप देख सकते हैं मल्टी वाइब्रेटर नाम का एक अलग टॉपिक आता है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम बात करेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स और ऑसिलेटर्स के बारे में, क्योंकि अभी आप यहाँ पे बात करेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स की तो यहाँ पे आएगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लेकिन आपने सेमेस्टर नंबर 4 में एक अलग से टॉपिक स्टडी किया था जिसका टाइटल था ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर्स में आप क्या करते थे, सिग्नल प्रोड्यूस करते थे, और वो सिग्नल्स कैसे होते थे, एसी सिग्नल्स होते थे। तो वहाँ पे आपने दो पोर्शन स्टडी किए था, एक था एम्पलीफायर का पोर्शन था, दूसरा था नॉइज़ सिग्नल प्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें आप कैपेसिटर्स का यूज़ करते थे, इंडक्टर का यूज़ करते थे। तो वहाँ पे भी सिग्नल्स प्रोड्यूस होते थे, यहाँ पे भी सिग्नल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों सिग्नल के प्रोडक्शन के जो ये सर्किट्स है इसमें डिफरेंस क्या है, उन सभी के ऊपर इसका दोनों का डिफरेंस अरेंजमेंट होता है। तो
तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, तब हम इसका एक डीप डिस्कशंस करेंगे। अभी बात करते हैं वेव शेपिंग सर्किट्स के बारे में। तो यहाँ पे वेव मतलब कि एक तरंग है, एक साइकिल है, इसका हमें शेप प्रोड्यूस करना है। या तो फिर अगर एक वेव है जो कि एक यूनिफॉर्म शेप में है, इसे आप रीशेप करना चाहते हैं, मतलब कि आपको उसका जो एक शेप है उस शेप को एडजस्ट करना है, उस शेप को आप एडिट करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेव शेपिंग सर्किट्स। तो ये जो सेकेंड पोर्शन है, ये सेकेंड पोर्शन के जो भी सर्किट है वो सभी सर्किट या तो RC सर्किट है या तो डायोड के बेस में सर्किट है। आगे आप देख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग सर्किट और इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो ये जो डिफरेंशिएटिंग और इंटीग्रेटिंग सर्किट है वो दोनों RC इंटीग्रेटर और RC डिफरेंशिएटर सर्किट है, मतलब कि इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ होने वाला है। लेकिन आगे जो आप क्या ये जो दो टाइटल्स है, क्लिपिंग सर्किट्स और क्लैंपिंग सर्किट, ये दोनों जो सर्किट है वो सर्किट डायोड के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले है। और ये चार के चार प्रैक्टिकल्स आपको स्टडी करने हैं सेमेस्टर नंबर 6 के ग्रुप सी के प्रैक्टिकल्स में। तो प्लीज़ आप ये याद रखें और आपको अच्छी तरह से इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करना है, जिसके के कारण आपके सेमेस्टर नंबर 6 के ग्रुप सी के जो प्रैक्टिकल्स है वो प्रैक्टिकल्स अभी से क्लेरिफाई हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 में जो अभी दो पोर्शन है उसके टाइटल है रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, और फिर बात आती है इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। सिमिलरली इसमें भी 14 मार्क्स का वेटेज है और 12 आवर्स का टाइम दिया गया है इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, हमने कई डायोड्स स्टडी किए हैं, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड, वेरेक्टर डायोड, ये जो सभी डायोड्स है उन सभी डायोड में आपने एक डायोड का नाम अच्छी तरह से सुना होगा जो है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड दोनों में डिफरेंस क्या है? पीएन जंक्शन डायोड की जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक में हमें शार्प ब्रेकडाउन नहीं मिलता, लेकिन जब हम जेनर डायोड की बात करते हैं तो जेनर डायोड में हमें शार्प ब्रेकडाउन की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, मतलब कि इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक में हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज के साथ करंट का सडन इंक्रीजिंग हमें देखने को मिलता है। उसी के कारण जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में काम आता है। तो ये जो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है, इस सभी सर्किट्स में हम किसका यूज़ करेंगे? जेनर डायोड का यूज़ करेंगे। लेकिन वो जेनर डायोड किसके साथ यूज़ होगा? एज अ हेल्पिंग कंपोनेंट यूज़ होगा। किसके साथ? ट्रांजिस्टर के साथ। तो ट्रांजिस्टर भी इसमें एक स्विचिंग एक्शन के साथ काम करेगी और साथ साथ एम्पलीफिकेशन का भी काम करेगी। वो जो रेगुलेशन का काम है वो कौन प्रोवाइड करेगा? जेनर डायोड प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हम अलग अलग तीन सर्किट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम आपको इसमें देखने को मिल सकता है ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर और शॉर्ट सर्किट पोर्शन, और लास्ट में आता है ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो सभी सर्किट्स है उसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। तो ये जो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड है उसका डिफरेंस हम सेमेस्टर नंबर 2 में स्टडी करके आए हैं। सेमेस्टर नंबर 2 में आपका एक चैप्टर आता था जिसमें हमने स्टडी किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, उसके साथ साथ आपने फिल्टर सर्किट स्टडी की थी। तो उन सभी फिल्टर सर्किट्स के बाद लास्ट में एक टॉपिक आया था जिसका टाइटल था जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसमें हमने डिफरेंस स्टडी किया था कि किसे हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं और किसे हम अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो जिसका आउटपुट इन अकॉर्डेंस विथ टाइम, मतलब कि ड्यूरेशन विथ टाइम, अगर कॉन्स्टेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। अगर किसी पावर सप्लाई का आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएट होता है, मतलब कि एज अ टाइम स्पेंड्स उसका जो आउटपुट है उसके वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। फिर हम आगे बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। अब जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टेबलेट यूज़ कर रहे हैं, आपका स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर LCDs यूज़ कर रहे हैं, या फिर LEDs यूज़ कर रहे हैं, वो सभी क्या है? वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जॉइनिंग कंपोनेंट्स है। उसे हम कंपोनेंट्स तो नहीं बोल सकते, वो एक डिवाइसेस है। वो सभी डिवाइसेस इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ काम करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसे हम क्या बोलते हैं? ICs बोलते हैं। तो ये जो सभी ICs है वो आपके लिए पहली बार है, और आपके लिए ये जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक्स नए हैं, क्योंकि आगे आपने
किसी भी पेपर में या फिर किसी भी टॉपिक्स में इसके बारे में कोई भी बातें नहीं स्टडी की है। तो इसमें हम आईसिस के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, आईसिस डेवलप कैसे होती है, आईसी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इन सभी आईसिस के एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे जो डिवाइसेस है उस डिवाइसेस में कौन सी ऐसी आईसीस है जिसका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और उस आईसीस का फंक्शन क्या है, मतलब कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, उन सभी के बारे में हम इस पोर्शंस में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक टर्म्स आपको स्टडी करनी है जिसे बोलते हैं OM। उस ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म बनता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल मतलब कि क्या, जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस, उन बेसिक ऑपरेशंस को जो करके देता है और साथ साथ उन सभी सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कौन से ऑपरेशन कर सकता है, तो वो पांच ऑपरेशन कर सकता है। एक है एडर, दूसरा है सब्ट्रैक्टर, तीसरा है इंटीग्रेटर, चौथा है डिफरेंशिएटर, और लास्ट में आता है कंपैरेटर, जो कि आपको लास्ट लाइन में देख सकते हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और कंपैरेटर। तो ये जो सभी सर्किट्स है, ये जो सभी आईसीज है, वो आईसीज एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाई गई है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई है। तो इनमें से हम कुछ आईसीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशंस करने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में सिर्फ एक ही टाइटल है जो आप देख सकते हैं, ट्रांसड्यूसर, और इसका भी जो मार्क का वेटेज है वो कितना है, 14 मार्क्स का, और जो स्टडी के लिए टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड किया गया है वो कितने आवर का है, 12 आवर्स का। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है उसके बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कशंस कर रहे थे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज एबल टू ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल्स को किस में टर्न करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में टर्न करता है। तो इसकी ये ज़रूरत क्यों बनी कि हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों टर्न करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं, अगर आप कोई फोर्स मेज़र करना चाहते हैं, अगर आप कोई टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसी कोई भी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन आप अभी एक बात भूल रहे हैं, थर्मोमीटर में आप यूज़ करते हैं मर्क्यूरी का। जैसे ही थर्मोमीटर को टेम्परेचर मिलता है, थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में स्प्रेड होने लगता है, और वो जो जितना स्प्रेड होता है उसके ऊपर से हम डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का मेज़रमेंट लेते हैं। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस करिए कि आप टेम्परेचर को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप बाय यूजिंग मर्क्यूरी केमिकल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि मर्क्यूरी की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ, केमिकल कैपेसिटीज़ के साथ आप यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर का मेज़रमेंट ले रहे हैं। तो इसी तरह से मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ये जो टेम्परेचर की क्वांटिटीज़ है, हम उन सभी क्वांटिटीज़ को मेज़र करना चाहते हैं। अगर आप अपना वेट मेज़र करना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं, अगर आप टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं, तो उन सभी मेज़रमेंट्स के लिए आपको डिवाइसेस बनाने पड़ते हैं, और आप सभी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। वो जो डिवाइसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स, मतलब कि वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्वांटिटी को किस में टर्न करके देते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, फिर इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। तो आपको ये लंबी लिस्ट दी गई है ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, लेकिन आप एक ट्रांसड्यूसर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है माइक्रोफोन। और उसके साथ साथ एक दूसरा ट्रांसड्यूसर है, वो है स्पीकर, मतलब कि आप माइक्रोफोन में एक ऑडियो सिग्नल्स सेंड करते हैं, तो वो ऑडियो सिग्नल इसमें कैप्चर हो जाता है, फिर वो ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होता है, और एम्पलीफाई होकर फिर से आपको स्पीकर में से ऑडियो सिग्नल्स के फॉर्मेट में हाई साउंड्स के साथ सुनाई देता है। तो ये जो होल प्रोसीजर है इसमें दो बार ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल हुआ, पहली बार जब आपके वॉइस के सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में टर्न हुए वाया माइक्रोफोन, जो भी एक ट्रांसड्यूसर है। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि हम माइक्रोफोन्स के बारे में बात करेंगे, और उसके वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे, जिसके अलग अलग टाइटल्स हैं, कार्बन माइक्रोफोन, रिबन माइक्रोफोन, मूविंग कोयल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, और लास्ट में जो आता है वो है सिरामिक माइक्रोफोन। और लास्ट में जो इस ऑडियो के सिग्नल्स के बारे में बात की, तो उसमें लास्ट पोर्शन में आता है स्पीकर,
तो स्पीकर भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल्स में टर्न करके देता है। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो किसके साथ कोरिलेटेड होंगे, ट्रांसड्यूसर के साथ होंगे। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप कई तरह के ट्रांसड्यूसर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के साथ जीते हैं, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के साथ अलग अलग चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, तो आप उसमें छिपे हुए ट्रांसड्यूसर्स को चेकआउट कर सकते हैं और उसके बारे में एज अ आइडिया चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट यूनिट के बारे में, जो भी 14 मार्क्स के वेटेज के साथ है और उसका जो लेक्चर का एजुकेशनल टाइम पीरियड है वो है 12 अवर्स का। इसमें भी दो पोर्शंस है, एक है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और लास्ट का है डिजिटल सर्किट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, उस फर्स्ट पोर्शन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। जनरली जब आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो मार्केट्स में आपको दो अलग अलग शॉप्स के टाइटल्स देखने को मिलते हैं। एक का टाइटल होता है इलेक्ट्रिक शॉप और दूसरे का टाइटल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। जैसे हम डिजिटल और एनालॉग को अलग तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट को अलग तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो सभी के सभी टॉपिक्स हैं, ये छः सभी टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है लेकिन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या आता है, दोज डिवाइसेस विच आर एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे सभी डिवाइसेस जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और वो सभी डिवाइसेस जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो ये जो CRT हो गया, CRO हो गया, मतलब कि जहाँ पे आप कैथोड रे ओसिलोस्कोप और कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं, वो सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं इस फर्स्ट यूनिट में। फिर आता है डिजिटल सर्किट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो सब टॉपिक्स है, इसका नाम है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और दूसरे का नाम है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का मतलब होता है एक सिक्वेंस को फॉलो करता है, मतलब कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट के बाद डायरेक्टली आप थर्ड में चले जाइए, मतलब कि वो सभी डिजिटल सर्किट्स जो कि एक सिक्वेंस को फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। तो आपकी ये जो एक मेमोरी है, मतलब कि आप मोबाइल में यूज़ करते हैं या तो फिर आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, कार्ड का यूज़ करते हैं, जो सभी स्टोरेज डिवाइसेस है वो सभी स्टोरेज डिवाइसेस वन काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो ये जो सभी फ्लिप फ्लॉप है उसे हम बोलते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, और इन सभी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके ही हमारा एक मेमोरी का डिवाइस बनता है, चाहे फिर वो मेमोरी आपके लैपटॉप में हो, आईपैड में हो, या फिर आपके टैबलेट में हो, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में हो। तो वो सभी मेमोरी एलिमेंट्स वो किसके यूज़ से बनते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के यूज़ से बनते हैं। अभी ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो किससे बनती है, वो सभी गेट्स से बनती है। तो गेट्स हमने कभी स्टडी किए थे, गेट्स हमने सेमेस्टर नंबर 4 में स्टडी किए थे। तो वो जो गेट्स है वो सभी क्या है, डिजिटल सर्किट्स है। हमेशा याद रखिए गेट्स कोई कंपोनेंट नहीं है, गेट्स सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल सर्किट है, क्योंकि गेट बने हैं ट्रांजिस्टर से या तो डायोड से। तो ट्रांजिस्टर और डायोड एक बेसिक कंपोनेंट है, जबकि उनसे बने हुए गेट्स एक वन काइंड ऑफ सर्किट्स है। फिर बात आती है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में। तो कॉम्बिनेशनल वर्ड्स को आप अगर माइंड करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सर्किट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, और वहाँ पे एक बनेगी डिफरेंट, एक अलग से एक बल्क लॉजिक सर्किट, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो ये जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है वो लॉजिक गेट के इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है, और वो जो डिज़ाइन है वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक वर्क करता है, जिसमें आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं हाफ एडर, फुल एडर। तो यहाँ पे एडर वर्ड आया, एडर का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब कि दो नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो एक तीसरा नंबर बन के आता है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो किसके कारण हो सकता है, इस टाइप के डिजिटल सर्किट्स के कारण हो सकता है। फिर बात आती है मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सर का एक आपको मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, मैनी टू वन और वन टू मैनी, मतलब कि
बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मैनी सिग्नल्स। उन मैनी सिग्नल्स को अगर आप एक ही आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैनी टू वन। और दूसरी बात है क्या, तो कि एक सिग्नल ही आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उस सिग्नल को आप डिफरेंट डिफरेंट अलग एन नंबर्स ऑफ वे में सेंड करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वन टू मैनी। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये जो सभी लॉजिक सर्किट है, वो सभी लॉजिक सर्किट के हम कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, फिर उस कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि ये जो सभी लॉजिक सर्किट है उसके लिए कौन सी आईसीज अवेलेबल है। मतलब कि हमने आगे के एक यूनिट में देखा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो सभी लॉजिक सिग्नल्स है, जो ये सभी लॉजिक सर्किट्स है, वो सर्किट बहुत ही बल्क है, बहुत ही लार्ज है। तो इसको आप एक आईसीज के ऊपर डेवलप कर सकते हैं और मार्केट से आप वो आईसी सिर्फ नॉमिनल प्राइस में ख़रीद सकते हैं। तो इसका पिन डायग्राम फॉलो करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके 5 यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। तो उन सभी यूनिट्स में आपने जो बात की वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग पोर्शन से, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग टॉपिक से। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, बीच में भी बोला था और लास्ट में फिर से आपको बोल देता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके तीनों पेपर्स में से ये पेपर है वो एप्लीकेबल पेपर है, और इस पेपर के कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स का आपको यूज़ करना है सेमेस्टर नंबर 6 के ग्रुप सी के प्रैक्टिकल्स के कई पोर्शंस में। तो आपके ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स ग्रुप सी में जो कि रहेंगे, वो सभी प्रैक्टिकल्स इस पेपर में से बिलोंग करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये जो सब टॉपिक्स है वो समझ में आए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।